शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और जिसको देखकर मजा तो बहुत ही आया करो। और इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बीच में मैं आपको बताऊंगा आप इसको बिल्कुल फ्री में कैसे देख सकते हो, ऑनलाइन भी और डाउनलोड भी कैसे कर सकते हो, और एक बोनस टिप भी है तो एंड तक जरूर देखना। अगर मूवी की बात की जाए तो ये मूवी शज़ाम 1 का सीक्वल है और मूवी को देखकर एंजॉय तो बहुत ही किया मैंने। अगर आपको शज़ाम 1 पसंद आई थी तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अगर स्टोरी की बात की जाए तो मूवी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उनको शज़ाम और उसकी फैमिली की पावर्स लेनी है, तो वो क्यों लेनी है, किस लिए लेनी है, ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। अगर मूवी की कॉमेडी के बारे में बात की जाए तो मूवी के जोक्स बहुत जगहों पर लैंड कर जाते हैं, आपको उनको सुनकर रियल में हंसी आएगी और आपको बिल्कुल मजा आएगा, एकदम फील नहीं होगा। एट सम पॉइंट आपको बहुत लगेगा चाइल्डिश जोक है, लेकिन ज्यादातर जोक्स वर्क करते हैं। और अगर मूवी के VFX वगैरह की बात की जाए तो मूवी के VFX भी बहुत अच्छे हैं एट सम पॉइंट, और कुछ पॉइंट बहुत खराब है। जहां पर अगर आप ड्रैगन देख रहे हो तो ड्रैगन के VFX बिल्कुल टॉप क्लास है, वहीं पर अगर आप साइड VFX देखते हो तो वो उन पे आपको जरा सा इनकंसिस्टेंट फील होंगे, ऐसा लगेगा यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे VFX। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक तो इतना खास नहीं था, लेकिन अगर उसके क्लाइमेक्स की बात की जाए तो क्लाइमेक्स को देखकर तो बहुत ज्यादा मजा ही आ गया, और मतलब एकदम फाड़ू क्लाइमेक्स था। और उसके बाद अगर एंडिंग की बात की जाए तो एंड इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट वे में कर दिया, इनको एक हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की है, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आ सकती है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, डिपेंड करता है आपको उस एंडिंग को देखकर क्या लगता है। तो यही मेरी राय थी इस मूवी के बारे में। अगर आपको अभी मूवी फ्री में देखनी है बिल्कुल ही, तो आप आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने थिएटर्स में जाके देखनी है तो आप ये वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और आगे की वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा आप कैसे देख सकते हैं ये मूवी बिल्कुल फ्री में। शज़ाम 2 को फ्री में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो और इस पेज पर आ जाओगे आप। उसके बाद आपने शज़ाम 2 पर क्लिक करके नीचे आना और यहाँ पर आके आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको 3 क्वालिटीज़ दिखेंगी, आपको जो भी अच्छी लगे आप उस पर क्लिक करो। मैं 720p पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, वेबसाइट लोड हो जाए। जैसे वेबसाइट लोड हो जाएगी नीचे मिल रहा होगा ह्यूमन वेरिफिकेशन सबमिट, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको उसके बाद 10 सेकेंड का वेट करना होगा, तो हम 10 सेकेंड का वेट करते हैं ताकि ये कम्प्लीट लोड हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये 10 सेकंड ख़त्म है उसके बाद आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आ जाओगे, नीचे यहाँ पर आपको और 10 सेकंड का वेट करना होगा, तो आप इसके बाद आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल चुकी है, आप उस पर क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कर लें, अगर आपने इसको ऑनलाइन स्ट्रीम करना है तो डाउनलोड एंड प्ले हियर पर क्लिक करें, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर ऐड आ जाए तो आपने ऐड को कैंसिल कर देना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक किया, उसके बाद क्या करूँगा, ये मुझे एक दूसरे पेज पर ले जाएगी, ठीक है। ये एक ऐड पेज होगा, यहाँ पर आपको ऐड शो होंगे, तो आपने क्या करना है इस ऐड पेज को कैंसिल करना है और बैक आ जाना है, ठीक है। तो जैसे आप बैक आ जाओगे यहाँ पर आपको एक और ऐड शो करेगा, आप इनको कैंसिल करोगे तो आपको इन्हें मिल जाएगा डाउनलोड हियर का ऑप्शन, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक दूसरे पेज पे लेके जाएगी, वहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है क्रोम ब्राउजर को, ठीक है, या फिर आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हो आप, जैसे उसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको लिखा जाएगा डाउनलोड एनीवे का, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपकी मूवी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपको डाउनलोड में भी चेक करा देता हूँ कि ये डाउनलोड हो रही है। अब बारी है बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कमेंट में इस पेज का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप इससे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना।